Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. So our next chapter is about the human physiology. इसमें topic C हमारा है transport. अब जो transport है उसको हम इस यानी कि हमारा जो MDCAT की requirement है उसके अंदर अगर हम जो transport है उसको study करेंगे तो हम अपनी body को देखेंगे कि किस तरह से जो transport है वो perform होती है human, क्योंकि human physiology की बात करें तो हम just human body की बात करेंगे. तो उसमें जो टॉपिक सी ट्रांसपोर्ट, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, उसके साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या हैं और उनका जो फंक्शन है वो क्या है. तो जैसे ये ऑलरेडी एक जो डायग्राम है, इमेज है, ये आपको शो हो रही है. कंप्लीट हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ये शो हो रहा है आपको. तो इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हम हार्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि सब इसके जो इनिशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं. हार्ट जो है ये इनक्लोज्ड होता है एक कैविटी में जिसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम का, पेरिकार्डियम, ठीक है जी. ये वो कैविटी होती है जिसके जिसने इनक्लोज किया होता है इस पूरे हार्ट को, एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम. अब ये जो पेरिकार्डियम है एक्चुअली इसकी टू लेयर्स होती हैं. फर्स्ट लेयर जो है वो सीरस होती है, सीरस, और जो फर्स्ट जो सेकंड होती है वो होती है फाइब्रस. क्लियर. अब ये भी लेयर है और ये भी लेयर है, ठीक है जी. अब इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड जो होगा वो होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है जी. ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, लाइक अगर हम बात करें इस हार्ट की, तो ये हार्ट की ये जो आपको ये लेयर नजर आ रही है यहां पे, इसके बाहर जो है, इसके बाहर, इस लेयर के बाहर की बात कर रहे हैं कि पेरिकार्डियम की लेयर होती है और उस लेयर, ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है इसकी टू लेयर्स होती हैं, सीरस लेयर और फाइब्रस लेयर. इन दोनों लेयर्स के दरमियान, ये दोनों लेयर्स के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उस कैविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है जी. अब ये जो पेरिकार्डियम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही ये है कि पेरिकार्डियम को ड्राइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, ये वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसमें एक वर्ड है हमारे पास पेरी, इस पेरी का मतलब है अराउंड, और जो कार्डियम है ये वर्ड कार्डियक से हम बोलते हैं इसको हार्ट, यानी कि पेरिकार्डियम का कंप्लीट जो मीनिंग हो गया वो हो गया अराउंड हार्ट, अराउंड हार्ट, यानी कि हार्ट के इर्द गिर्द, लाइक दिस वन, इसके ऐसे साइड पे जितनी भी ये सारी मेम्ब्रेन होगी वो सारी की सारी क्या होगी, पेरिकार्डियम, उसकी टू लेयर्स, और टू लेयर्स के दरमियान कैविटी होगी जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे, और उस कैविटी में होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब हमने ये देखना है कि ये मेम्ब्रेन क्यों है और ये लेयर्स के दरमियान जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो क्यों है. ये हम बात करें हार्ट के स्ट्रक्चर की. लाइक अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड के बहुत से काम है, बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है. अब ये जो एक्चुअली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड की मदद से इस पूरे हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन किसी भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, दूसरा इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड होती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड होती है, तीसरा ये है कि ओवर एक्सटेंशन से हार्ट जो है वो बच जाता है, ठीक है जी, ओवर एक्सटेंशन, ठीक है जी. ये इसके फॉलोइंग फंक्शंस हैं जो पेरिकार्डियल फ्लूइड परफॉर्म करते हैं, इसको भी आपने, इन सब को आपने याद रखना है,
ये फॉलोइंग फंक्शंस हैं जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो परफॉर्म करता है, या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, या फिर हम उसे जो लेयर्स का नाम देते हैं। तो ये जो आउटर, ये जो इसके इर्द गिर्द जो अराउंड हार्ट के जो मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम, ये इसका काम है। ये फॉलोइंग फंक्शंस है इसके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन, और हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमने देख लिया कि हार्ट के बाहर जो पेरिकार्डियम है उसका क्या काम है। अब हम देखेंगे कि हार्ट जो है इसके डिफरेंट आगे से इसकी लेयर्स आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द वॉल ऑफ हार्ट जो है उसकी थ्री लेयर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट पे हम बात करेंगे एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है जी, ये फर्स्ट। सेकंड पे हमारे आ जाएगी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और थर्ड पे आ जाएगी इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। क्लियर। अब जैसे ये एपी, एपी का मतलब होता है अपर मोस्ट लेयर, तो जो अपर मोस्ट लेयर होगी आउटसाइड, जो लेयर होगी हार्ट के आउटसाइड यानी यहां पे बिल्कुल आउटसाइड, वो लेयर होगी एपिकार्डियम। और वो लेयर हार्ट के जो मसल्स हैं जिन पे, यानी कि हार्ट के कंप्लीट मसल्स अरेंज होते हैं, लाइक अगर आप ये देखें तो ये हार्ट के जो मसल्स हैं, ये मसल्स की जो लेयर है ये होगी हमारी मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होगी जिसके अंदर एसोसिएट होंगे इसके ये चैम्बर्स वगैरह, जिसमें फोर चैम्बर्स आ जाते हैं। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम इनर मसल्स की लेयर, और जो एंडोकार्डियम है वो इनर मोस्ट लेयर है जिसमें हमारे सारे ये चैम्बर्स आ जाते हैं हार्ट के, ठीक है जी। तो हम जो है वो इसका हमें पता लग गया कि एपिकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम इसको हम इंटरनली जो है वो डिस्कस करेंगे। एपिकार्डियम की अगर हम बात करें तो इसके साथ एसोसिएट होती है पेरिकार्डियम, जिसको भी हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम क्या है तो इसको हम स्टडी करेंगे। मायोकार्डियम अगर हम देखें तो ये एक ऐसी लेयर है जो हार्ट के मसल्स के ऊपर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ मसल्स। अब जो हार्ट के मसल्स हैं इनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब इनके अंदर बहुत सी फाइबर्स होते हैं, जैसे मायोफाइबर्स होते हैं, मायोफाइबर्स एंड मायोफिलामेंट्स वगैरह होते हैं। अब ये दोनों जो हैं ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से मिलके बनते हैं जिन्हें एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एज वेल एज मायोसिन। तो ये दो प्रोटीन्स भी जो है वो हार्ट के मसल्स में मौजूद होती हैं, और ये बनाती क्या हैं, मायोफाइबर्स एंड मायोफिलामेंट्स, एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। अब जो हार्ट के कार्डियक मसल्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हार्ट के कार्डियक मसल्स हैं इनकी रिजेंबलेंस होती है स्केलेटल मसल से। वो क्यों? वो इस वजह से कि जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी भी जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन हैं, उनमें भी मायोफाइब्रिल्स हैं, उनमें भी जो फर्दर यानी कि जो सारी उनकी माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह ये एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका भी जो कार्डियक मसल्स हैं इनका भी जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबलेंस रखता है उसके स्केलेटल मसल से। थोड़ी सी एक्सेप्शन ये आ जाती है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, ब्रांच सेल्स होते हैं कार्डियक मसल्स के, ठीक है जी। और इनके दरमियान ये एसोसिएट होते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क से, इंटरकैलोरी डिस्क। तो ये आपने बातें जो है वो याद रखनी है यहाँ पे। ये तो एक जनरल हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया ना मायोकार्डियम का, कि मायोकार्डियम एक्चुअली है क्या। मायोकार्डियम जो है वो लेयर है मसल्स की, ठीक है, मसल्स, कार्डियक मसल्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मायोफाइब्रिल्स हैं, मायोफिलामेंट्स वगैरह, और जो प्रोटीन साथ एसोसिएटेड हैं वो है हमारे पास एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब ये जो हार्ट है इसको कंट्रोल कौन करता है? हार्ट को कंट्रोल करने वाला जाहिर सी बात है ब्रेन है। अब जो ब्रेन है उसके भी आगे से पार्ट्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इसके अंडर जो है वो हार्ट वर्क परफॉर्म करता है, इसे भी हमने याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
के अंडर हार्ट वर्क परफॉर्म करता है, यानी कि हार्ट जो है वो इसके कंट्रोल में होता है। अब जो है हम आ जाएंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें इंडोकार्डियम को हम डिस्कस करेंगे। तो इंडोकार्डियम जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सारा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, जिसमें इसके चैम्बर्स हैं और इसके जो एस ए नोड, ए वी नोड, ठीक है, इसके अलावा इसके जो एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा, और वेन्स एंड एसोसिएटेड आर्टरीज, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके सबसे पहली जो चीज़ वो हम जानते हैं कि जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, इसके जो चैम्बर हैं वो फोर होते हैं, फोर चैम्बर्स, ठीक है जी, जिसमें आपको ये नज़र आ रहे होंगे। अगर आप राइट साइड पे देखें तो अपर टू जो आपको नज़र आ रहे हैं वो एट्रिया हैं, अपर टू आर एट्रिया, जिसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और लोअर टू जो आपको नज़र आ रहे हैं वो वेंट्रिकल हैं, जिसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी फोर चैम्बर्स जिसमें अपर टू एट्रियम और लोअर टू वेंट्रिकल। राइट साइड पे अगर आप देखें तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी, ये हमारे हो गए चार चैम्बर्स। अब हमने देखना है कि जो ब्लड है उसकी सेपरेशन कैसे होती है, सेपरेशन ऑफ द ब्लड। अब सेपरेशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो एक ब्लड होता है हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड और एक ब्लड होता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड। क्लियर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत पुअर होती है, और ऑक्सीजनेटेड अमाउंट वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिच होती है। तो राइट साइड जो पोर्शन है हार्ट का, इसमें सारी जो सेपरेशन होगी वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होगी, जबकि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट जो पोर्शन है हार्ट का, इसमें जो सेपरेशन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होगी। ये आपने एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो राइट पोर्शन है, इस पोर्शन में, ये जो राइट पोर्शन है, इस पोर्शन में जो सेपरेशन होगी वो होगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और जो लेफ्ट पोर्शन है इस पोर्शन में सेपरेशन होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है जी, ये एक बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो किस तरह परफॉर्म हो रहा है। जो हार्ट है हमारा हार्ट, इसमें आपने याद रखना है कि आर्टरीज वेन्स, जो हार्ट की लार्जेस्ट आर्टरी है वो है एओर्टा, ये है एओर्टा, और जो लार्जेस्ट वेन है वो है वेना कैवा, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि जो लार्जेस्ट आर्टरी है, आर्टरीज में जो हार्ट की आर्टरी लार्जेस्ट है वो है एओर्टा, और जो लार्जेस्ट वेन है वो है वेना कैवा, जो कि एसोसिएट होती है हार्ट के साथ। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन आपने ये याद रखनी है कि जितनी भी आर्टरीज हैं वो कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर, एक्सेप्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करेगी। इसके अलावा ऑल वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है जी, ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना है। लार्जेस्ट आर्टरी हार्ट के साथ एसोसिएट कौन सी है, एओर्टा, लार्जेस्ट वेन हार्ट के साथ एसोसिएट कौन सी है, वेना कैवा, आर्टरीज जितनी भी हैं सारी कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो वेन्स हैं वो कैरी करेंगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे,
अब जैसे कि हमने ये देखना है कि किस तरह से हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है, हार्ट से फिर आगे लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है और हार्ट से फिर वापस बॉडी में जाता है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये काम किस तरह से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी बॉडी है इसमें एक तो होती हैं वेंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि जो वेंस हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारी ऑक्सीजन वहाँ से हमारे टिश्यूज़ में पहुँच जाती है और पीछे जो बच जाता है ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि होता है वेंस में, सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन के, उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेन्स हैं, अब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, लाइक अगर हम बात करें किडनी की तो किडनी जो है उसमें होती हैं रेनल वेन्स, ठीक है। इसी तरह जो लीवर है उसकी होती हैं हेपेटिक वेन्स, ठीक है। हमारी जो लेग्स हैं इससे निकलती हैं लियक वेन्स, क्लियर। ये हो गया हमारा लोअर पोर्शन। अब ये सारी की सारी जो वेन्स हैं, रेनल वेन, हेपेटिक वेन और लियक वेन, ये एक इकट्ठी जगह पर आकर ड्रेन होंगी, लाइक इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि ये एक लार्ज ट्यूब है, इसके अंदर ये आ रही है आपके पास रेनल वेन जो कि ब्लड लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड आपकी किडनी से, हेपेटिक वेन जो कि ब्लड लेके आ रही है आपके जो लिवर है उससे डीऑक्सीजनेटेड, और लियक वेन क्या है कि आपकी लेग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये तीनों वेन्स जब मिलेंगी तो एक कंबाइंड वेन बनेगी जिसे हम नाम देंगे इन्फीरियर वेना कैवा। जो मैंने पहले बात की कि जो लार्जेस्ट वेन बनेगी वो वेना कैवा होगी। तो ये तीन किस्म की वेन्स, रेनल वेन आपके जो किडनीज हैं वहाँ से ब्लड लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड, हेपेटिक वेन्स लिवर से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी, और जो लियक वेन्स हैं ये क्या करेंगी कि आपकी जो लेग्स हैं लोअर पोर्शन लेग्स वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी और ड्रेन कर देंगी कहाँ पे, इन्फीरियर वेना कैवा में। अब इन तीनों से पहले एक निकलती है हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, क्योंकि जो लीवर है उसने सारी की सारी जो प्योरिफिकेशन है वो परफॉर्म करनी होती है, तो ये सारा का सारा जो प्योरिफिकेशन का काम है वो लीवर के अंदर होता है। तो अब यहाँ पे सारा जो ब्लड है वो ड्रेन हो गया किसमें, इन्फीरियर वेना कैवा में, जो कि आपको ये नज़र आ रही है इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो डाउनवर्ड है, यानी कि इसका मतलब है कि इसने डाउनवर्ड बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है और ऊपर हार्ट को ला के देना है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक कैसे आ रहा है, वो आ रहा है इस इन्फीरियर वेना कैवा के जरिए। अब जो अपर पोर्शन है हमारा ब्रेन है, हेड है, हमारे शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, यहाँ से ब्लड कैसे आएगा। अब यहाँ से भी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला कर इसको देंगी इस सुपीरियर वेना कैवा को, यानी कि वेना कैवा के टू पोर्शन हो गए, इन्फीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा। अब इन्फीरियर वेना कैवा ने लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया और जो सुपीरियर वेना कैवा है उसने अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया। अब जब ये दोनों वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगी तो ये देंगी इस राइट एट्रियम को, ठीक है जी। अब हमारा बॉडी का जितना भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इस वेना कैवा से आया वो पहुँच गया कहाँ पर, राइट एट्रियम में, ठीक है जी। अब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इन दोनों के दरमियान एसोसिएटेड है ट्राइकस्पिड वेल्व्स। ये ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारा ट्रांसफर हो जाता है इस राइट वेंट्रिकल को। तो अब इस ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है इसको अगर आप देखें तो ये आपको ये नज़र आ रहा है जिसमें इसके 3 फ्लैप्स हैं, ठीक है जी, और ये एसोसिएट होते हैं एक मसल के साथ जिसे पेपिलरी मसल का नाम देते हैं और इन्हें हम कहते हैं कॉर्डी टेंडनी, ठीक है जी। लाइक ये जो आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं ये आपने याद रखना है। तो राइट एट्रियम से सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन ट्राइकस्पिड वेल्व्स के जरिए ट्रांसफर हो जाएगा किसको, राइट
वेंट्रिकल को, ठीक है जी। अब राइट वेंट्रिकल जो है इसके ऊपर ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है जी। अब ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसका जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन, अब यहाँ पे जो ये वेल्व्स आपको नजर आ रहे हैं ये हैं सेमिलिनर वेल्व्स, यहाँ पे सेमिलिनर वेल्व्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भी ये सेमिलिनर वेल्व्स प्रेजेंट हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ऊपर जो ट्रंक है सारा पल्मोनरी ट्रंक वहाँ पे एसोसिएटेड है सेमिलिनर वेल्व्स। ये सेमिलिनर वेल्व्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जो है वो चला जाएगा कहाँ पर, लंग्स में। अब ये लंग्स में किसके जरिए जाएगा, देखें यहाँ पे हमने बात की कि सारा आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे भी क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाएगा वेन के जरिए, पर जा कहाँ रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स में जब जा रहा है तो उसके साथ एसोसिएट होगी, क्योंकि जो लंग्स है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी का। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक बात समझा दी यहाँ पे कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से सारा का सारा ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए, ठीक है जी। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमने जो चीज़ डिस्कस की थी कि हम आर्टरीज जो है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। और इसी के साथ जो पल्मोनरी वेन है उसमें होगा जो वेन है उसमें होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन है उसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से सारा का सारा जो ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। लाइक यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, वेन एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है जी। जो आर्टरी है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेन है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल यहाँ से तक जो ब्लड आया वो था डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, यानी कि राइट वेंट्रिकल से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है पल्मोनरी आर्टरी, ये सारी आ रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी। यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी कि ब्लड दे देगी लंग्स को। अब लंग्स में जाकर जो ब्लड है उसकी होगी प्योरीफिकेशन, उस प्योरीफिकेशन के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रही हैं दो पल्मोनरी वेन्स, ठीक है जी, ये पल्मोनरी वेन्स और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों भी पल्मोनरी वेन्स हैं और ये दोनों भी क्या हैं पल्मोनरी वेन्स हैं। यहाँ पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगी कि ये यहाँ से ब्लड देगी लंग्स को, और ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी कि लंग्स से जो ब्लड है उसको रिसीव करेंगी, ठीक है जी। अब जो ब्लड है वो पहुँच के हमारे लंग्स में, लंग्स में जब ब्लड पहुंच जाएगा तो उसकी होगी प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन के बाद वो बनेगा ऑक्सीजनेटेड। तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करेंगी पल्मोनरी वेन, यहाँ से ये आपको पल्मोनरी वेन नज़र आ रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ बात की कि जो पल्मोनरी वेन है उसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी का वर्ड एसोसिएट होता है लंग्स से, तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी कि जो लंग्स हैं ऊपर उनसे ब्लड लेगी और दे देगी लेफ्ट एट्रियम को। अब हमारा जो ब्लड है वो पहुंच गया लंग से लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इनके दरमियान दो ये आपको वॉल्व्स एसोसिएट नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ नीचे बने हुए हैं ये आपको बाइकस्पिड वॉल्व्स, यहाँ पे थे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये आपने याद रखना है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो आपके जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के दरमियान जो वाल्व्स हैं वो हैं बाइकस्पिड वाल्व्स। बाइकस्पिड वाल्व्स इनको बाइकस्पिड क्यों बोला गया, क्योंकि इसके आपको टू फ्लैप्स नज़र आ रहे हैं और इनका भी पोर्शन वही है कि ये एसोसिएट हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ और कॉन्टिन्यू कहाँ से होंगे, लेफ्ट एट्रियम से। और कॉर्डी टेंडनी का इनको नाम दिया जाता है क्योंकि वो मसल्स हैं, ठीक है जी।
अब इन वाल्व्स के जरिए जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से, इन पल्मोनरी वेंस के जरिए लंग से। तो अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ट्रांसफर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल को इन बाइकस्पिड वाल्व्स के जरिए। अब सारा का सारा जो ब्लड है वो पहुंच गया इन लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल, इनका एक एक्सेप्शन है छोटी सी, वो ये याद रखनी है आपने। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मोर थिकर और जो राइट वेंट्रिकल है ये लेस थिकर। About 3 times larger than, 3 times thicker than, 3 times thicker than right ventricle। ठीक है जी, ये एक exception है कि जो left ventricle है ये thicker होती है right ventricle से, कितना, 3 times, वो क्यों? अब यहां पे ये देखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसने इतना कॉन्ट्रैक्ट करना है कि ब्लड जो है वो हार्ट से कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो इस वजह से इसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं ताकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म हो। तो ये वजह है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, अब इसके भी अपर साइड पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे सेमिलूनर वॉल्व्स, इन सेमिलूनर वॉल्व्स के ज़रिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो इसके ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इस एओर्टा को। तो अब हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो गया इस एओर्टा को, ठीक है, जिसमें ये एक बनती है एओर्टिक आर्क। अब इस एओर्टिक आर्क से 3 main arteries निकलती हैं, डिसेंडिंग डाउन, नीचे डिसेंडिंग डाउन होने से पहले और अपर पोर्शन में जाने से पहले जो एओर्टा है इससे एक आर्टरी निकलती है जिसे हम बोलते हैं करोनरी आर्टरी। ठीक है जी, ये करोनरी आर्टरी क्या करती है कि ब्लड देती है हार्ट को, ठीक है जी, ये जो करोनरी आर्टरी है ये ब्लड देगी हार्ट को, यानी हार्ट के जो मसल्स हैं, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी ब्लड चाहिए ऑक्सीजनेटेड। तो एओर्टा जब असेंडिंग अप होने से और डिसेंडिंग डाउन होने से पहले जो एओर्टा है इससे एक आर्टरी निकलेगी और वो होगी करोनरी आर्टरी जो ब्लड देगी इस पूरे हार्ट को। इसके बाद एओर्टा जिससे जो डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी जो हमारे ब्रेन को जो है वो ब्लड देंगी, इसके अलावा और अगर हम देखें तो नीचे लेग्स वगैरह को ब्लड जाएगा, पूरे बॉडी के जो पोर्शन उसको ब्लड जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि जो अपर पोर्शन में ब्लड जाएगा वो कैसे जाएगा और जो लोअर पोर्शन में है वो कैसे जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है डिसेंडिंग एओर्टा ने क्या करना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर पोर्शन को दे देना है, हमारे लोअर पोर्शन को, और जो असेंडिंग एओर्टा वहाँ से निकल रही है एक, उसने हमारे ब्रेन को जो है वो ब्लड देना है, और एक जो वहाँ से आर्टरी निकलेगी उसने हमारे शोल्डर्स को, आर्म्स को जो है वो ब्लड प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। तो अब ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है, जैसे जैसे डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो नीचे आती है ये बाइफरकेट करती है 2 iliac arteries में, ठीक है जी। 2 iliac arteries जो हैं एक लेफ्ट लंग को ब्लड दे देती है, एक जो है वो राइट जो एक जो है वो लेफ्ट लेग को ब्लड देती है और एक जो है वो राइट लेग को। लाइक अगर हम बात करें कि ये है डिसेंडिंग एओर्टा। अब ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है ये बाइफरकेट कर गई 2 iliac arteries में, ये 2 iliac arteries हैं। अब एक जो है वो लेफ्ट लेग को ब्लड देगी और एक जो है वो राइट लेग को ब्लड दे देगी, ठीक है जी, लेफ्ट लेग को और राइट लेग को, हमारी दोनों लेग्स तक भी ब्लड पहुंच गया। इसी तरह जो हमारी किडनी तक ब्लड जाएगा वो रेनल आर्टरीज के ज़रिए जाएगा,
जो लीवर तक जाएगा वो हेपेटिक आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज आगे दे देंगी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब ब्लड जो है, हमने जो सारा प्रोसेस डिस्कस किया वो ये था कि किस तरह से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से आ रहा है हमारे हार्ट में, और हार्ट से आगे जा रहा है लंग्स में, और लंग से फिर वापस जो है वो हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से वापस जो है हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। ये हमारी एक कंप्लीट हो गई उसकी सर्कुलेशन। तो ये हमारे उसके, हमने उसके चैम्बर्स को भी डिस्कस कर लिया, इसके अंदर एसोसिएटेड जो सेमिलिनर वॉल्व थे उनको भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, सारे इसका जो मेथड है उसका हमने डिस्कस किया। तो अब ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है इसका भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये बाइफरकेट करता है और इलियक आर्टरीज निकलती हैं और हमारी जो लेग्स हैं उनको ब्लड पहुँचता है। ये तुम्हारी इसकी सारी एक अगर हम देखें तो सर्कुलेशन इसकी जो है वो कम्प्लीट हो गई यहाँ पे। ओके जी, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है कि इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं इसके टू स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक है एसए नोड और दूसरा है एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, एसए नोड एंड एवी नोड। अगर आप एसए नोड की बात करें तो एसए नोड जो है इसको हम बोलते हैं साइनस नोड, या फिर इसे हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है जी। जो एवी नोड है इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है जी। ये दो वर्ड हमारे पास क्लियर हो गए। और एक बात आप ये भी रखें याद कि जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं इनको हम नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स का, ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनको, एसए नोड क्या है और एवी नोड क्या है। एसए नोड साइनस नोड या साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एसए नोड जो है इसका काम क्या है और एवी नोड का काम क्या है, इनकी लोकेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी लोकेशन को। एसए नोड जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है इसके ठीक अपर पोर्शन पे, इसकी जो अपर साइड है इसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो क्या है, एसए नोड, ठीक है जी। और इसके बिल्कुल लोअर पोर्शन पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इनके दरमियान में आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, एवी नोड। तो ये तो हो गई हमारे पास इनकी लोकेशन के जो एसए नोड है वो अपर पोर्शन ऑफ द राइट एट्रियम पे मौजूद होगी और जो एवी नोड है वो कहाँ होगी, इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, क्लियर। तो ये तो हमने इसकी लोकेशन देख ली। अब हम देखेंगे कि जो, क्योंकि एक्चुअली अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब ये है कंट्रैक्शन का जो सिस्टम है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एसए नोड और एवी नोड इनके हम जो है वो फर्दर वर्क जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो एसए नोड है इसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये इसे कंट्रोल करेगा। और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये इन्फ्लुएंस बाय एसए नोड, ठीक है जी। ये आपने दो मेन डिफरेंस है जिनको याद रखना है कि साइनो एट्रियल नोड किसके कंट्रोल में होती है, इसे कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द रिस्पॉन्स ऑफ एसए नोड, ठीक है जी। एसए नोड का क्या काम है, एसए नोड का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करना, ठीक है जी। ये काम है किसका, एसए नोड का। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होने के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं किसको, एवी नोड को, ठीक है जी। ये ट्रांसफर हो गए एवी नोड को। तो यही मैंने बात की कि जो एसए नोड है उसका काम क्या है कि इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है, और जनरेट करने के बाद ट्रांसफर कर देना है किसको,
एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड को जिसे हम बोलते हैं एवी नॉड, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ये अपर पोर्शन पे साइनो एट्रियल नॉड लगी हुई है। यहाँ पे ये साइनो एट्रियल नॉड जो है इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे और जनरेट होने के बाद ये ट्रांसफर होंगे किसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड को। सो इससे हमें पता चलता है कि जो साइनो एट्रियल नॉड है, साइनो एट्रियल नॉड ये नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी है, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है जी। जबकि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये पेस सेटर है, पेस सेटर, इसे हम नाम देते हैं पेस सेटर का, कि ये पेस को सेट करती है। ये नेचुरल पेस मेकर है जिसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद देना है किसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को। अब सारा का सारा काम जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के ऊपर। इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेट करना है, ठीक है, उनकी एक अमाउंट जो है उसको फिक्स करना है या लो करना है, ठीक है जी। तो ये पेस सेटर है और ये पेस मेकर है। अब इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया कि इसकी लोकेशन क्या है, ये किसके कंट्रोल में है, इनका काम क्या है। एक छोटा सा पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है यहाँ पर, वो ये है कि इनमें एक डिले आता है कि जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं एस ए टू ए वी, वो डिले है अबाउट 0.15 सेकंड्स का। अब ये डिले से क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, इसे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन का टाइम मिल जाता है, यानी कि फिलिंग ऑफ द ब्लड जो है इसमें कंप्लीट, इसे यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का टाइम मिल जाता है, ब्लड की फिलिंग का इसे टाइम मिल जाता है, ठीक है जी। इस डिले से ये फ़ायदा होता है और ये डिले जो है ये होता है अबाउट 0.15 सेकेंड्स का, जिसमें जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आपने याद रखना है। इसके अलावा हमने जो है वो पूरा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसके मसल्स, इसके जो चैम्बर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इसका जो एस ए नोड है और ए वी नोड, इसके बारे में मैंने आपको जो है वो जनरल जो टर्म्स हैं उनको क्लियर करके बता दिया कि ये हैं क्या, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है इसका टॉपिक यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।